Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 2 structure of an atom. And in our last video we have discussed about the shell, subshells, orbitals and then filling the orbitals. Orbitals mein ko fill karna by electrons. To humne baat kari thi shells jo hote hain. ठीक है, shells are divided into subshells. शेल्स किस में डिवाइडेड होते हैं? सब शेल्स में. एंड सब शेल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में. और इन्हीं ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि शेल्स जो होते हैं वो SPDF सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं और जो सब शेल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं. तो हमने वहां पर बात करी थी एस ऑर्बिटल जो होता है वो एक होता है, सिर्फ एक, इस तरीके से. एंड पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? थ्री होते हैं. कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल्स थ्री होते हैं. डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? फाइव. कितने होते हैं? फाइव. और एफ ऑर्बिटल होते हैं सेवन. ठीक है, कितने होते हैं? सेवन. ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. अब देखिए एस ऑर्बिटल एक ही होता है, ठीक है, तो उसका नाम एस ही है, यानी उस ऑर्बिटल को हम एस ही बोलते हैं. और पी ऑर्बिटल क्योंकि तीन होते हैं तो हमने इनको नेम दे रखा है, और ये जो नेम दे रखा है वो है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ये हमने पी ऑर्बिटल्स को नेम दे रखा है. ये पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है. इसी तरीके से डी ऑर्बिटल को हमने नेम दे रखा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर. इस तरीके से 5d ऑर्बिटल्स के नेम हैं. एफ ऑर्बिटल्स को हमें ज्यादा स्टडी नहीं करना है जब 12th तक, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे. तो हमें जो मोस्टली जो हमें सीखना है वो है सिर्फ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, इनके नेम एंड इनकी शेप. तो नेम हमने बात करी सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, तो उसको एस ही बोला जाता है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है. ओके, और इसकी शेप कैसी होती है नेम पता करने के बाद में हमें इनकी शेप्स भी पढ़ने हैं. तो देखिए एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ठीक है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है. कैसा होता है? स्फेरिकल. इट मींस ये इस तरीके से होगा. एस ऑर्बिटल कैसे होगा? स्फेरिकल शेप में होगा. ये एस ऑर्बिटल की शेप है. फिर हम बात करते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स की शेप्स, ठीक है. अब देखिए हमारे पास में पी कितने हैं? थ्री हैं. और हमें पता है हमारी एक्सिस भी कितनी होती है? थ्री होती है एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड. कितनी होती है एक्सिस? एक्स वाई एंड जेड. तो अगर पी ऑर्बिटल्स जो हैं, सबसे पहली बात तो इनकी शेप होती है डबल डंबल, सॉरी डंबल शेप, ठीक है. अब डंबल कैसे होते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है. अगर किसी पी ऑर्बिटल के जो डंबल शेप है, यानी कि जो पोल्स हैं या जो इस तरीके से जो पोल्स हैं वो अगर एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल. इसको क्या बोलेंगे हम? पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है. ये जो लॉब्स हैं इसके, अगर वो एक्स एक्सिस पर हो तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल. अगर ये पी ऑर्बिटल के जो डंबल शेप है वो उनके लॉब्स अगर वाई एक्सिस पर हो इस तरीके से, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पी वाई ऑर्बिटल. लेकिन अगर ये जेड एक्सिस बना दी मैंने एक्स वाई जेड, अगर इसके डंबल शेप के लोब्स जेड एक्सिस पर हो तो इसे हम बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल. तो इस तरीके से पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं. अगर डंबल शेप के जो लोब्स एक्स एक्सिस पर हो अगर, तो उसे हम पी एक्स बोलेंगे. वाई एक्सिस पर हो लोब्स तो पी वाई बोलेंगे. और अगर जेड एक्सिस पर हो तो उन्हें हम पी जेड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ देखें ये जो शेप्स होती हैं, जो हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की शेप, ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है. इट रिप्रेजेंट्स द
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस जो यहाँ पर ये फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, जो ये लॉब्स है, जहां पर ये फूला हुआ पार्ट है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेन में, यानी इस प्लेन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ही कम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये लॉब्स हमें क्या बताते हैं? दे रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि कहाँ पर ये मोस्टली मिलेंगे। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? जैसे अभी हमने पी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बात करी थी कि ये डंबल शेप होते हैं, वैसे ही जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है डबल डंबल। कैसी होती है? डबल डंबल। कितने होते हैं डी ऑर्बिटल्स? 5। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं dxy। तो क्योंकि डबल डंबल शेप होते हैं, तो x और y एक्सिस पर बीच में होंगे इनके जो दो डंबल्स होते हैं उनके लॉब्स, इस तरीके से। तो इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ओके, इसी तरीके से अगर डी वाई जेड ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो डी वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच में दोनों डंबल्स के लॉब्स होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर डबल डंबल्स के जो लॉब्स है अगर वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, तो हम इन्हें बोलेंगे डी वाई जेड। Likewise, अगर डी एक्स जेड की बात करें, तो यहाँ पर जो लॉब्स होंगे दोनों डंबल्स के, वो कहाँ होंगे? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स की शेप बना ली। अब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम कैसे बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसकी जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर x और y एक्सिस के ऊपर होते हैं डंबल्स के लॉब्स, इस तरीके से। यहाँ पर x और y एक्सिस पर दोनों डंबल्स के लॉब्स होंगे, इस तरीके से। ओके, अब हम बात करते हैं dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होता है? जो z एक्सिस होगी, z एक्सिस पर ही दोनों डंबल्स होते हैं, और दूसरे डंबल की इस तरीके से एक रिंग बन जाती है बीच में। ठीक है, दोनों डंबल्स किस पे होते हैं? लॉब्स किस पर होते हैं? दोनों डंबल्स के जेड एक्सिस पर। तो जो दूसरा डंबल है, उसकी एक रिंग बन जाती है सेंटर पोजीशन पे, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया? डी जेड स्क्वायर। तो ये शेप होती है डी ऑर्बिटल्स की, इनको क्या बोलते हैं? डबल डंबल शेप। ठीक है, और ये जो लॉब्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर यानी कि इस और इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, या उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, यहाँ से ये प्लेन जा रहा है एक्स एक्सिस पर, ये प्लेन जा रहा है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।